Integrate it. Add wins to your career. Which one of the following method is used for the approximate estimation? इनमें से कौन सा मेथड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के काम का है? इससे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन देखो, सेंटर लाइन बोल रहा है। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सेंटर लाइन एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। क्या लगता है आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल? नहीं भाई साहब, डिटेल एस्टिमेट है। जब एक एक चीज मेजर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट का हुआ तो डिटेल हो गया, तो पहला ऑप्शन वैसे गलत। दूसरा ऑप्शन में खाली सेंटर लाइन दे दिया, जो पहला गलत है दूसरा भी गलत होगा। ठीक है, तीसरा प्लिंथ एरिया मेथड। हाँ, प्लिंथ एरिया मेथड क्यूबिकल कंटेंट और रफ एस्टिमेट या क्वांटिटी मेथड, वो क्या बताया था मैंने? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। डिटेल में क्या बताया था? डिटेल्ड बताया था, आइटम रेट बताया था और अपना रिवाइज बताया था, सप्लीमेंट्री बताया था। ये सब चीजें किसमें आती है? डिटेल्ड एस्टिमेट में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। थ्रेडिंग इन द आयरन वर्क इज मेजर्ड इन। अब देखो, थ्रेडिंग इन द आयरन वर्क इज मेजर्ड इन। थ्रेडिंग क्या होता है? आपने जो कोई देखा होगा जो नट, वो कुछ ऐसा कील होती है जो उसको घुमाते हैं, कसते हैं। जैसे कोई ये है, ये मान लो कोई कील है, अगर इस कील पे ऐसे थ्रेड्स बने हैं, ऐसे क्या होते हैं? ऐसे थ्रेड्स हो जाते बना हुए होते हैं, तो कील कसने में काम आते हैं। उसको किसी के अंदर पीछे से पेचकस लेके उसको कस दिया, तो वो अगर थ्रेडिंग है तो उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में, यानी कि रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। जब भी थ्रेडिंग ये साइड में दिखाया नहीं था, तो थ्रेडिंग हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अब इसमें मीटर नहीं दे रखा, लेकिन सेंटीमीटर तो है ना, तो भाई भाई नहीं हुआ भाई, यूनिट का फर्क है बस। है तो मेजर तो लेंथ ही कर रहा है ना, मीटर भी लेंथ करता है, सेंटीमीटर भी लेंथ करता है, तो सेंटीमीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हो गया इसका अपने करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अपने को एक एक चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो सवाल है ये आपके लिए काफी अच्छा सवाल है। अच्छा कैसे है कि अब ऐसे आजकल ऐसा क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने वाले। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना कि आप इसको सॉल्व करने बैठोगे या नहीं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान जाओगे कि आपका ये क्वेश्चन विद इन 40 सेकंड्स का है कि उसके बाद की रेंज का है। अगर 40-45 सेकंड में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में आपको 2 मिनट या 1 मिनट से अधिक समय लग रहा है, 1 मिनट से अधिक, तो समझ लो वो क्वेश्चन अभी नहीं करना। बाद में अगर टाइम बचे तो उसको बाद में सॉल्व कर लेना, भले ही आता हो आपको, लेकिन उसके चक्कर में कोई आगे क्वेश्चन आता वो छूट जाए। समय नहीं होता एग्जाम में, समय नहीं होता। समय है तो कोई बात नहीं, लेकिन एसएससी में तो समय नहीं है। चलो मान लो बाकी एग्जाम में आपके पास थोड़ा बहुत समय भी मिलता है, लेकिन एसएससी आपको बिल्कुल समय नहीं देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है एक बार में, लेकिन जब लग जाए कि आपके पास समय है तो भले उसको सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विद अ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया दे दिया, कितना दे दिया? 2000 स्क्वायर मीटर दे रखा है, 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकलवाएगा। उसके बाद उसने रेट भी दे दी, 3800 पर मीटर स्क्वायर। क्या दे दी? रेट 3800 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3800 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 3800। अब बोल रहा है 15% इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और 7% अलग खर्चा है। 15% इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और 7% मिसलिनियस है। तो पूछ रहा है टोटल खर्चा कितना होगा, वही पूछ रहा है। तो करो इसको भाई सॉल्व, और सॉल्व करके देखो आपको कितना समय लग रहा है। तो इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू आर कर दिया। तो ए इंटू आर कर दिया, 2000 को 3800 से करेंगे तो कितना जाएगा? 76। और पीछे कितने? 3 0 ये, 2 ये, 5 0 लगा था भाई। तो ये हो गया अपना इतना रुपए लगेगा। ठीक है, अब इसने बोला 15% और 7% एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे? 15 और 7 को जोड़ते हैं तो 22 आता है, 15 और 7 को जोड़ने पे कितना आएगा? 22। तो इसी रेट को, ये जो रेट आई है 76 लाख, उसको मल्टीप्लाई करा दो 1.22 से। अब इसको 1.22 से मल्टीप्लाई, 20% 22% एक्स्ट्रा हो गया, इसको 1.22 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब आपके क्या आ गया?
इससे आ जाएगा आपके 9,92,72,000 ऑप्शन डी, 92,72,000 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना था कि ये इनको एड मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 22% से एड करते, ज्यादा करते। अब क्या करते हैं, कभी कभी बच्चा गलती क्या कर देता है, एक तो इसको 15% से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 7% से अलग मल्टीप्लाई करेगा। अरे 15 और 7 सीधा जोड़ के 22% बढ़ा दो ना, अलग अलग क्यों कर रहे हो बार बार, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। वैसे क्वेश्चन ये विद इन 40 सेकेंड का है, क्योंकि यहाँ तो कोई समय लगा नहीं। 38 टू 76 होते हैं, इसके बाद 3 और 2 5 0, ठीक है, और उसके बाद इसको 1.22 से मल्टीप्लाई करना, तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन दिमाग लगाने की बात थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व वाले, तो न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल हाथ से करना सीख लो। हर एक चीज कैलकुलेटर के भरोसे नहीं रहो, कैलकुलेशन कैलकुलेटर के भरोसे नहीं रहो, खुद भी करना सीखें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर। अब ये बोल रहा है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी कि अर्थवर्क से सुपर स्ट्रक्चर, अर्थवर्क टू सुपर स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी बढ़ेगी कम होगी, लॉन्ग वॉल पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पूछ रहे हैं। तो अपन दोनों का देख लेते, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का। जब हमने न्यूमेरिकल करे थे इस पे, भाई दो न्यूमेरिकल करें, एक करा होता तो ठीक है, दोनों एक में मान लो गड़बड़ हो जाए, आपने तो दोनों न्यूमेरिकल में एक ही चीज आई थी, क्या आई थी, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे लॉन्ग वॉल क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, शॉर्ट वॉल क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो ये जिसमें ऑप्शन है देख लो कि जिसमें लॉन्ग वॉल को बढ़ा रहा है वो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, लॉन्ग वॉल किसमें इंक्रीज हो रही है, पहला ही ऑप्शन, मतलब इंक्रीज क्या डिक्रीज किसमें हो रही है, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये ध्यान, मैंने उस टाइम ही बताया था कि लॉन्ग वॉल के टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है वो नीचे से ऊपर आने पे। अब ये क्या करता है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए पूछ लेगा, लॉन्ग वॉल बताओ वो सुपर स्ट्रक्चर से अर्थवर्क जा रहे हो, आपको तो दिमाग में डिक्रीज है, तो वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन को उल्टा भी तो कर सकता है, इधर से इधर पूछ लिया तो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा दे तो आप भी इनको आंसर को घुमा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का तो डी क्या होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, यही बताया था। तो अब ये ऑप्शन कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर, ऑप्शन सी जो है वो, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे इनमें से कौन सा टैक्स जनरली अपने जो घरेलू बिल्डिंग होती है उस पर नहीं लगता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में से इनमें से कौन सा टैक्स नहीं लगता। तो भाई साहब म्युनिसिपैलिटी टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स तो लगता ही है, आपके घर में जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें देखना म्युनिसिपैलिटी टैक्स ऐड होता है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगता है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, आपके प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स तो जब आप प्रॉपर्टी कोई भी खरीदते हो बेचते हो तो जो सरकार रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वो भी लगता है। फिर तीसरा क्या है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं लगता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे, सेल्स टैक्स नहीं लगता, वो कमर्शियल पे लगता है, ठीक है। तो ये हो गया वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स तो कोई भी जमीन पड़ी है तो पड़ी जमीन पे टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो इस पे सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपने सेल्स टैक्स नहीं लगता, बाकी सारे टैक्स लगते हैं, सेल्स टैक्स कमर्शियल बिल्डिंग पे लगता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या बोला है, सेंटर लाइन मेथड के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो सेंटर लाइन के बारे में क्या बात कर रहा है कि जहां पर क्रॉस वॉल्स आ जाती है, क्या आ जाती है, जहां पर क्रॉस वॉल्स आ जाती है या जहां पर जंक्शन आ जाता है वहां पर, वहां पर क्या डिडक्शन होगा,
तो भाई क्रॉस वॉल्स पे और जंक्शन पे क्या डिटेक्शन होता है, मैंने बताया था पूरा समझा के सेकंड न्यूमेरिकल के बाद, जो एस्टिमेशन का सेकंड न्यूमेरिकल था उसके बाद डायग्राम बना के समझाया था कि मान लो ऐसा कुछ है और बीच में ऐसी कोई वॉल है, तो यहां पर कितना डिडक्शन ऐसे हैच प्रोपोर्शन बना के बताया था कि हाफ द विड्थ ऑफ माइनस होता है, तो डिडक्शन कितना होता है हाफ द विड्थ ऑफ वॉल डिडक्शन होता है। अगर पूछ ले एल जंक्शन, ये वाला जंक्शन एल, एल पे कितना होता है नो, लेकिन टी, ये देखो टी बन रहा है और तो टी पे कितना होता है हाफ, ये ध्यान रखना है क्रॉस वॉल से और टी पे क्या होता है हाफ हो जाता है, ठीक है। और अगर सिंपल ये बोल दे पूरे टोटल क्रॉस वॉल एट 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे, तो वहां पर कितना हो जाएगा वन, एक बार पूरा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन यहां पर था इसने जंक्शन पे पूछ रहा है एट ईच जंक्शन, एक जंक्शन पे तो तब भी आधा ही होगा, एक जंक्शन पे आधा होगा, यहां पर दो जंक्शन, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है, तो एक जंक्शन पे तब भी आधा ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आसान है कि नहीं, सारे क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि सर ने सारे कराए, तो मैंने सारी की सारी आपको पहले थ्योरी कराई है, उन्हीं थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ लेइंग गलीज सिफंस इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स, कहने का मतलब है जब भी अपन वो सैनिटरी कनेक्शंस देते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी कोई कहीं पे अपन ने कोई नाली के ऊपर जाली लगा दी, कहीं भी अपन ने छोटा सा कोई पाइप इधर का उधर कर दिया, कनेक्शन दे दिया, जैसे मान लो ये पाइप था नीचे जा रहा था, यहाँ हमने जाली लगा दी, इस पाइप में यहां से कुछ कनेक्शन दे दिया और कोई यहां से कनेक्शन दे दिया, तो क्या इन सारे कनेक्शन और इन जाली का अलग से खर्चा लगता है क्या, ये पूछ रहा है, नहीं, ये सारे एक ही में आते हैं, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पूरा जो सैनिटरी कनेक्शन होता है ना उसमें टोटल ऐसे होल होता है, हमने सैनिटरी की क्या बात करी थी, उसको लमसम में माना था कि नहीं 8% में, तो जब सैनिटरी को ऐसा होल माना है तो फिर अलग से कहां से होगा, लमसम ही हो गया, लमसम का मतलब जैसे ये इंटरसेप्टिंग पहला हो गया सेटिंग एंड लिंग, वो अपने आप उसको वहां पे लगाएगा, अब जब एक बार लमसम आ गया तो उसमें जो भी प्रोसेस है जैसा भी करना है वो सारे इंक्लूड हो गए, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बेड कॉन्क्रीटिंग कनेक्शन टू ड्रेन्स हो गया, सारी चीजें क्या हो गई इंक्लूड होती है, ठीक है, लमसम में सारी चीजें इंक्लूड होती, अलग से कोई चार्ज नहीं लगता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, कुछ भी अलग से नहीं लगेगा, सारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, कॉस्ट में इन सारी चीजों का होता है, पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है, पैसा जुड़ के आता है क्योंकि एज ए होल माना अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कवर्ड एरिया ऑफ ए प्रपोज बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर, कवर्ड एरिया बोल रहा है 150 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये देखो न्यूमेरिकल अपने को फिर वही अपने को ध्यान लगाना है कि एक बार पढ़ के देखना, अपने औकात के बाहर का तो नहीं है, इनकी औकात का मतलब यहाँ पे समय है, समय वाली है ना, अपने कैलकुलेशन फास्ट है तो अपन अभी कर लेंगे, 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो टाइम लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसको छोड़ दो, टाइम लगेगा तो एस्टिमेशन में कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलते हैं इसमें कोर्ट यार्ड एरिया इंक्लूड है, कोर्ट यार्ड एरिया कितना है, कोर्ट यार्ड को मैं कोर्ट यार्ड एरिया को कितना है वो दे रखा है 5 × 4 मीटर, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर कोर्ट यार्ड एरिया दे रखा है, ठीक है। उसके बाद प्लिंथ एरिया रेट क्या बोल रहा है, 1250 मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया रेट 1250 पर मीटर स्क्वायर दे दिया। अब बोल रहा है कि टोटल रेट क्या होगी उसकी, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट क्या होगी, देखो कवर्ड एरिया दे दिया आपको, ठीक है, कोर्ट यार्ड एरिया दे दिया, प्लिंथ एरिया रेट, अब क्या करता है बंदे को कवर्ड एरिया दिमाग में आया, सीधा क्या करेगा कॉस्ट के लिए, वो कर देगा 1250 × 150, लेकिन नहीं ये कोर्ट यार्ड एरिया है, या फिर क्या करते हैं 1250 × 170 जोड़ देते हैं, ये 1250, ठीक है, तो इनको ये दोनों कवर्ड एरिया भी गलत है ये भी गलत है, प्लिंथ एरिया रेट दिए इसने, प्लिंथ एरिया में से प्लिंथ एरिया क्या होता है, कवर्ड एरिया माइनस कोर्ट यार्ड एरिया, प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा कवर्ड एरिया माइनस कोर्ट यार्ड एरिया, कोर्ट यार्ड एरिया क्या अपन इंक्लूड करते हैं नहीं करते, तो टोटल अपने पास 130 आएगा, तो 130 मीटर स्क्वायर × 1250 करेंगे तो जो रेट आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो वो ऑप्शन है अपना
सी 1,62,000 वाला ऑप्शन 162,500। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए कोर्ट बस ध्यान क्या रखना था, कोर्ट एड एरिया को इस कवर्ड एरिया में से माइनस करना था, तब अपना प्लिंथ एरिया जाता। और प्लिंथ एरिया एस्टीमेट रेट ही दे रखी है, तो प्लिंथ एरिया से ही मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और एरिया से क्यों करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली चीज थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये चीज ध्यान रखने वाली, छोटा सा क्वेश्चन है बट गड़बड़ी हो जाती है लोगों से। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एनुअल परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करने का बोल रहा है, वही करो, अपन ने फॉर्मूला करा है सबके सब। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है भाई, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला अपने को पता है, डी इक्वल्स टू 1 माइनस एस बाय सी की पावर 1 बाय एन अपने को पता है। ठीक है, अब इनमें से क्या क्या चीजें दे रखी इसने, नहीं नहीं ये पूछ रहा है एनुअल परसेंटेज, क्या बोल रहा है एनुअल परसेंटेज बोल रहा है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड नहीं बोल रहा है, ये एनुअल परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बोल रहा है। तो ये वाला कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, एनुअल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। तो इसने बोला कि 12,000 की मशीन खरीदी और 3,000 उसका डेप्रिसिएशन मतलब स्क्रैप वैल्यू है, तो टोटल उसको कितना डेप्रिसिएशन होगा, टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा, डी इक्वल्स टू 12,000 माइनस 3,000, 12,000 की उसकी मशीन पड़ी, 3,000 उसको स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है, तो 9,000 जो है उसका टोटल डेप्रिसिएशन होगा। अब वो टोटल 9,000 डेप्रिसिएशन कितने साल में होगा, 8 साल में, कितने साल में, 8 साल में। तो हर एक साल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, तो डी इक्वल टू अपन क्या निकालते थे, डी इक्वल टू एस माइनस सी बाय सी माइनस एस बाय एन, तो सी माइनस एस तो अपन ने निकाल दिया 9, तो 9,000/8, तो ये हो गया इसका 1125, हाँ 1125 पर ईयर आ गया, पर ईयर इतना रुपया कम हो रहा है हर साल, एनुअल परसेंटेज एनुअल की कितना कम हो रहा है 1125। अब ये 1125 से अगर परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो एक साल में कितना परसेंटेज कम हो रहा है, तो भाई टोटल रेट 1125 कर लो, जितना कम हो रहा है, टोटल रेट कितनी 12,000 इंटू परसेंटेज 100, तो ये लगभग देखो अभी अंदाजा है, तो ये 12 है, ये 12 से कुछ कम है, तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग अपने पास ऑप्शन ही एक है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नियर बाय नहीं है, एकदम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 9.375 आएगा, ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि ये होता है अपना दिमाग। ठीक है, यहाँ होशियारी समझदारी यहाँ काम की, क्या करना है कि लगभग 100, अगर ये मान लो 12 होता है यहाँ, तो लगभग 10% होता है, 12 से कम है, इनके 1200 से कम है, तो लगभग 9% के आसपास है, तो 9% वाला एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपने, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ बीम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 × 200। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या है, 400 × 200, ये भी बात सही है, 2 मीटर लेंथ दे रखी है, लेंथ 2 मीटर, और अब देखो क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली चीज ये है कि वो बी इंटू दे रखा है, डी 400 × 200 या डी इंटू बी दे रखा है 400 × 200। अब अगर आप लोगों ने आरसीसी अपने कॉलेज टाइम में या थोड़ी बहुत भी सही से पढ़ी है, तो जैसे ही अपन ने देखा कि कभी भी विड्थ जो होती है, डी जो होती है, जो डी होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा डेप्थ हमेशा विड्थ से ज्यादा होती है आरसीसी में बीम की, तो डेप्थ ज्यादा होती है, इसका मतलब ये ऊपर वाला, ये मामला क्या हो जाएगा अपना गलत, तो वो बी इंटू डी ना होके डी इंटू बी दे रखा है। ठीक है, अब अपने को बीम पता, बीम के कितने तरफ होमवर्क लगेगा, 3 तरफ, ऊपर नहीं लगेगा, 2 तरफ लगेगा, एक नीचे और दोनों साइड में, तो साइड वाला कितना हो जाएगा, इनकी डेप्थ पे 2 बार लगेगा, विड्थ पे 1 बार लगेगा, 2 बार डेप्थ पे तो 800 और विड्थ पे 1 बार लगेगा, तो टोटल क्या हो गया 1000। ठीक है, इंटू 2 करना है। ठीक है, देखो देखो 2 बार लगेगा डेप्थ पे, तो 0.4 डेप्थ पे भाई 2 बार, जैसे बीम क्या होती है ऐसी होती है, तो 1 बार ये दे रखा 200, ये 400 mm है ना, ये 400,
अगर मीटर में कन्वर्ट करूं, एक बार 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.4, इनकी टोटल क्या हो गया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर तो उसका सरफेस एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, और अब लेंथ कितनी है, लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, मतलब 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी ना लेंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मवर्क का एरिया। ठीक है, फॉर्मवर्क भी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लिंथ एरिया रेट एंड द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। वापस से देखो प्लिंथ एरिया पे सवाल आ रहा है, तो प्लिंथ एरिया वाला मैंने तब भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, द प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग 5500 पर स्क्वायर मीटर। प्लिंथ एरिया दे रखा है 150, रेट दे रखी है 5500 पर मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया रेट। अब यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे सामने का क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंसीडरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन 7%, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी 16%, इलेक्ट्रिफिकेशन 7%, सैनिटरी 16%। ठीक है, और क्या दे रखा है, लॉन्स का दे रखा है कंटिजेंसी, लॉन 6.5%, कंटिजेंसी सी 4.5%, ये सारी चीजें दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सा टोटल कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 150 × 5500, ये तो हो गया 150 × 55 × 5500 ×, अब ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34% आएगा, 7 और 16 23 23 और 11 34, तो 1.34 से मल्टीप्लाई करा, तो 1.34 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 1.34 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो जो फाइनल आंसर आएगा 110 55, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्या करा मैंने, प्लिंथ एरिया दे रखा है 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया रेट दे रखा है 5500 मीटर पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अपना 7% है, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी 16% है, लोन में खर्चा हो रहा है 6.5%, और कंटिजेंसी जो है 4.5% हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या रहेगा, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट प्लस ये जो इंटू है वो उन चीजों को ऊपर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी खर्चा होता है हमेशा टोटल कॉस्ट निकालने से पहले जो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, उससे पहले जो कॉस्ट आती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पंप आफ्टर 5 इयर्स। कोई बोल रहा है कि एक कोई पंप है उसकी 5 साल के बाद क्या कीमत होगी, इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन 200, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पंप 3000, सी जो है 3000 है, डी जो है पर ईयर 200 है, लाइफ जो है यानी कि एन 10 साल है, 10 ईयर। ठीक है, ये तीन चीजें ही दे रखी है, तो ये पूछ रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो कॉस्ट आफ्टर फाइव ईयर क्या होगी, तो अपने पास डी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू एस माइनस सी माइनस एस बाय एन, तो इसमें अपने को स्क्वायर वैल्यू चाहिए, ये अपने क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कैसे करेंगे, तो भाई अपने को सीधी सी पता है 1 साल में वो 200 रुपए कम हो रहा है, तो 5 साल में कितना कम हो जाएगा, एन इंटू डी, यानी कि 200 × 5, तो 5 साल बाद 1000 रुपए कम हो जाएगा, तो 3000 की मशीन है, 5 साल में 1000 रुपए कम हो रहा है, तो टोटल क्या आ जाएगा, तो 5 साल बाद 1000 रुपए कम हो गए, तो 3000 में से 1000 रुपए माइनस कर दिया तो कितना बच गया, आफ्टर 5 ईयर वो कितने बच गए, 2000। क्या कर रहा है, बस सिंपल सा बात है कि 5 साल बाद पूछ रहे हैं, हर साल 200 डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 1000 रुपए कम हो जाएगा, तो 1000 रुपए कम कर दो 3000 में से जो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो वो अपना आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या थी, बैठे बैठे खाना। कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एनुअल रेंट 20,000 और हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए क्या बताया था,
कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल रेंट, एनुअल रेंट इनटू ईयर्स परचेज बताया था। ईयर्स परचेज कैसे निकाला था, 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, तो यहां कितना दे रखा है रेट 5% दे रखा है, 100 डिवाइडेड 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो 20 इंटू 20,000 करो, ये आ जाएगा अपना कैपिटलाइज वैल्यू, कितनी आ जाएगी 4 लाख। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 लाख वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए फॉर्मूला देखो, सिंपल सी बात, अगर फॉर्मूला और चीजें याद है, अपने जो लिखा है अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा बाहर नहीं आया, वो कार्ड ट्रैक वाले का लगा, तो तब भी मैंने बोला ही है, वैसे तो मेरे पढ़ाई में कुछ बाहर आता नहीं, अगर कुछ आएगा तो मैं क्वेश्चन में इंक्लूड करा लूंगा, और क्वेश्चन आने के बाद कोई चीज बाहर नहीं होगी, ठीक है। 99% तो गारंटी है अपने, ठीक है, 100 नहीं तो 99 तो गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, एनुअल रेंट इनटू ईयर्स परचेस, और ईयर्स परचेस क्या होता है, 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये निकाल दिया अपन ने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ फॉर ऑब्सोलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ऑब्सोलेंस के लिए इनमें से कौन सी बात सत्य है, अब ऑब्सोलेंस क्या होता है, आउट ऑफ डेट, कोई चीज आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ डेट हो जाती है या आउट ऑफ डिजाइन हो जाती है, हम लोग यूज नहीं करना चाहते। जैसे पिताजी ने जो मकान बनाया 40-50 साल पहले, या दादाजी ने जो 60-70 साल पहले मकान बनाया, वो आज अपने लिए क्या हो जाए, आउट ऑफ डेट, क्योंकि दोस्त बोल देते क्या यार तेरा मकान पुराना है नया बनवा लो, तो वो क्या हो जाता है आउट ऑफ डेट। तो आउट ऑफ डेट के कौन कौन से कारण सत्य है, पहली बात न्यू इन्वेंशन, हमेशा नहीं खोजता आउट ऑफ डेट, नोकिया 1100 क्यों आउट ऑफ डेट हुआ, ये स्मार्टफोन आ गया जिसमें अपने नेट चलता बढ़िया, पबजी खेल सकते हैं इसलिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंप्रूवमेंट इन डिजाइन, हर बार इंप्रूवमेंट होता है, कभी कैमरा को छोटा कर दिया, कभी बड़ा कर दिया, कभी गोल कैमरा कर दिया, कभी रेक्टेंगुलर कर दिया मोबाइल के लिए, तो ऐसे हो गया, तो इंप्रूवमेंट इन डिजाइन भी हो गया। तीसरा आउटडेटेड डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, ये भी हो गया, तो तीनों ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्सोलेंस के कारण होते हैं, तो यही चीजें हैं, कुछ नहीं है इनसे बाहर कुछ नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन क्या है, डिडक्शन एट द एल जंक्शन, क्वेश्चन है डिडक्शन एट द एल जंक्शन ऑफ वॉल, एल जंक्शन पे वॉल पे कितना डिडक्शन होता है सेंटर लाइन के लिए। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये एल बनाया था, ये टी बनाया था, तो टी के लिए हाफ बताया था, एल के लिए जीरो बताया था, तो नो डिडक्शन, जब भी एल जंक्शन होगा तब भी अपने क्या होगा, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात थी, तो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रखा तो अब ध्यान रख लो, कोई डिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग द सिंकिंग फंड इज टू एक्यूमुलेट द सफिशिएंट मनी, तो सिंकिंग फंड वाला जो है, अपन सिंकिंग फंड क्यों डेवलप करते हैं, तो मैंने तब भी बताया था, मान लो आज मशीन अपन ने कोई 50,000 में खरीदी, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद एकदम से 50,000 रुपए न लगाना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, और जिसपे अपने को ब्याज भी मिलता है। मैंने बताया था कोई बहुत सी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक इसके लिए पॉलिसीज निकाल चुके हैं, तो हम लोगों को क्या ब्याज भी मिलता है और पूरा पैसा भी इकट्ठा नहीं करना पड़ता, और एक साथ हमको दो चीजों का नुकसान नहीं, ना तो जैसे मशीन खराब हो गई 10 साल बाद, तो एक तो मशीन का नुकसान, दूसरा प्रोडक्शन कैसे करें, तो प्रोडक्शन और मशीन दोनों का, यानी कि इक्विपमेंट और प्रोडक्शन दोनों का नुकसान ना हो एक साथ, इसलिए हम लोग सिंकिंग फंड मनी, सिंकिंग फंड जमा करते हैं। तो इसका कारण क्या हो गया, ऑप्शन ए देखो, मीट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, बस यही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी नई मशीन मिल जाए अपने को उसके जिंदगी खत्म होने के बाद, ठीक है, और रिप्लेसमेंट वो एक ही चीज हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवेट, रिवेट को किस में मेजर करते हैं, मैंने स्टील वर्क के लिए क्या लिखा था अपने, केजी या क्विंटल, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, पहले लिखा चुका हूं नोट्स में सारी चीजें, फिर बोल रहा हूं एक बार क्वेश्चन आप खुद करो, कोई भी ऑप्शन टिक करो, उसके बाद जब मैं आंसर बता दूं
तो उसके बाद अपना चेक कर लो कि सही है कि गलत है। इससे क्या पता लगेगा, अपने औकात पता लग जाएगी कि हमारे आज एस्टिमेशन में कितने मार्क्स आ सकते हैं अगर आज पेपर दिया जाए तो। ठीक है, तो पहले नोट्स पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया, इनमें से कौन सा फ्लोर एरिया में इंक्लूड नहीं होता? चार दे रखे हैं, उसके बाद पूछ रहा है कॉम्बिनेशन में कोई। ठीक है, तो पहला बात क्लियर कवरेज एरिया। क्लियर कवरेज एरिया क्या होता है? क्लियर कवरेज एरिया क्या होता है? ये रूम है, इसके अंदर ये जो खाली जगह है ये होता है क्लियर कवरेज एरिया। तो इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फ्लोर एरिया में ये तो इंक्लूड, यानी पहला तो करेक्ट, पहला तो होगा ही इंक्लूड। ठीक है, मतलब पहला तो इंक्लूड होगा, पहला इंक्लूड होगा तो अपने लिए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, एरिया ऑफ वॉल्स, फ्लोर एरिया में ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, तो सेकंड अपने लिए सही है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला पहला नहीं है और दूसरा है? तो ऑप्शन देखो ए है, ए तो गलत हो ही गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है भाई, सेकेंड थर्ड हो सकता है। ऑप्शन सी 2, 3, 4 ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है, 2 और 4, यानी अपने को सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ऑप्शन थर्ड, तीसरा क्या दे रखा अपने को, सिल्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज। सिल्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, यहाँ पे कोई डोर है तो ये क्या हम लोग फ्लोर एरिया में मानते हैं? नहीं, ये मैंने लिखाया था, ये भी नहीं मानते। ठीक है, तो 2, 3 हो गया। उसके बाद क्या है, सिल्स ऑफ द विंडोज, कोई भी सिल ऑफ विंडो वैसे भी दीवार के अंदर आती है, विंडो तो अपनी यहाँ पे आती है दीवार के अंदर, ये कहां से फ्लोर एरिया मांगे? तो 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट है। इन तीनों चीजों को हम लोग किसमें इंक्लूड नहीं करते, फ्लोर एरिया में। तो एरिया ऑफ द वॉल, सिल्स ऑफ डोर, विंडोज की सिल्स को हम लोग फ्लोर एरिया में इंक्लूड नहीं करते, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ 4-स्टोरी बिल्डिंग, कोई 4-स्टोरी बिल्डिंग है उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, और टोटल प्लिंथ एरिया दे रखा है 300, प्लिंथ एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टोरी हाइट, स्टोरी क्या होगी, नंबर ऑफ स्टोरी 4 हो गई। ठीक है, चीजें लिख लो। ठीक है, अब जो ये है 300 मीटर स्क्वायर वो क्या, पर फ्लोर, यानी कि एक फ्लोर जो है 300 मीटर स्क्वायर का, यानी कि 4 फ्लोर कितने हो जाएंगे, 1200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट ऑफ द फ्लोर दे रखा है 3 मीटर, हाइट जो दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे, क्यूबिकल कंटेंट की रेट दे रखी है। क्यूबिकल कंटेंट की रेट क्या है, 2000। क्यूबिकल कंटेंट की रेट जो है, रेट ऑफ क्यूबिकल कंटेंट 2000। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर्स प्रॉफिट कितना दे रखा है, कॉन्ट्रेक्टर्स प्रॉफिट 10%। तो अपने को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो क्यूबिकल कंटेंट के लिए, अब ये मीटर स्क्वायर में, तो अपने को टोटल को क्यूबिकल कंटेंट में, तो एक एक, एक फ्लोर का, वन फ्लोर का टोटल क्यूबिकल एरिया कितना हो जाएगा, वन फ्लोर का टोटल क्यूबिकल एरिया कितना हो जाएगा, फ्लोर प्लिंथ एरिया इंटू हाइट, तो 300 × 3 कर दिया, तो 900 जो आ रहा है मीटर क्यूब पर फ्लोर का क्यूबिकल एरिया। ऐसे 4 फ्लोर है तो टोटल टोटल क्यूबिकल एरिया आ जाएगा। टोटल क्यूबिकल एरिया के लिए 900 × 4 यानी 3600। अब ये जो 3600 आ रहा है इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एस्टिमेट आ गया, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट वो कितना हो जाएगा, 3600 इंटू रेट कितनी देर की, 2000, तो ये कितना हो जाएगा, 72, पीछे 50, ये लो 72 लेग आ गया। अब ये बोल रहा है इसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो इसको 10% से मल्टीप्लाई करो, तो 1.1 10% रेट कर दिया, तो अब ये जो भी आंसर आएगा लगभग 83 के आसपास जो भी आएगा अपना क्या हो जाएगा, 83 क्या हो, लगभग 80 के आसपास आएगा, यानी कि ये ऑप्शन डी जो है 79 वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या करा मैंने, प्लिंथ एरिया दे रखा है टोटल मेरे को, नंबर ऑफ स्टोरी दे रखा है, हाइट दे रखा है, प्लिंथ एरिया एक फ्लोर का दे रखा है, तो
क्यूबिकल एरिया क्या होता है, तो प्लिंथ एरिया इनटू हाइट, तो मेरा हो गया क्यूबिकल एरिया। क्यूबिकल एरिया के बाद टोटल क्यूबिकल एरिया कितना हो जाएगा, मैंने उसको हिस्टोरी से मल्टीप्लाई करा दिया तो टोटल क्यूबिकल एरिया आ गया। उसके बाद मेरे को रेट पता है तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट कितना हो जाएगा, एक का क्यूबिकल एरिया मतलब टोटल क्यूबिकल एरिया इनटू रेट मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट 10% जोड़ दिया तो वो आ गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोल रहा है, अब देख लो स्टील बार दे रखा है कोई 12 mm दया का, उसका पूछ रहा है टोटल वेट केजी पर मीटर में। तो मैंने आपको क्या लिखा था, वेट इन केजी पर मीटर के लिए क्या लिखा था मैंने, 0.00618 d² या फिर d² / 162। अब d क्या था, mm में था, अब d यहाँ पे कितना दे रखा है, d दे रखा है 12 mm। बस ये फॉर्मूला याद हो तो कोई आसान, सब आसान है, 0.00618 × 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा B.089। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो भाई सीधी सी बात, अगर ऑप्शन आंसर याद हो, क्या आंसर क्या फॉर्मूला याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है। एस्टिमेट है बहुत सरल लेकिन चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये पूछ रहा है टोटल सेंटर लाइन, इस डायग्राम की पूछ रहा है टोटल सेंटर लाइन कितनी होगी। तो सेंटर लाइन के लिए भाई साहब क्या वापस से डायग्राम बनाएगा, क्या लगता है आपको वापस से डायग्राम बनाए, व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन लेंथ फॉर द प्लान शोन इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 30 cm। ठीक है भाई, तो लेकिन इसमें कुछ साइज दे रखा है ना, रूम 4 × 6 दे रखा पहला, दूसरा 3 × 6। तो एक बार अपन यहां बना लेते हैं, यहाँ विंडो, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो, ये 4 × 6 का है और ये 3 × 6 का है। ठीक है, ये यहाँ पे भी, और हर एक दीवार कितना 0.3 का। तो देखो ये 4 × 6 अंदर से दे रखा है, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक 4 है, तो इसकी सेंटर लाइन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, अगर ये यहां से यहां तक 4 है तो सेंटर लाइन तो ये यहां पे और 30 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 4.3, मतलब ये हो जाएगा 6.3, ये वाली दीवार ये 6 है टोटल यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगी 6.3, और इस ये अंदर से अंदर यहां से यहां तक 4 है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, वो 4.3। सिमिलरली इधर भी ये कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 3 है, तो ये सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर टू इसके सेंटर तक कितनी हो जाएगी 3.3। तो यहां से यहां तक ये हो गई 3.3, अब वो वहां पे 4.3 है तो यहां पे भी 4.3 और यहां पे भी 3.3 और ये भी 6.3, ये भी 6.3। ठीक है, तो भाई सारी चीज अपने को पता चल गई कि कितनी कौन कितनी है। तो मेरे पास दो दीवार तो हो गई 4.3 की, दो ही दीवार हो गई 3.3 की और तीन दीवार हो गई 6.3 की, तो ऐड कर लो। अब भाई सेंटर लाइन निकालना तो अभी कोई माइनस करना नहीं अपने को कुछ, तो 2 × 4.3 सबसे पहले, फिर 2 × देखो 6.3 एक दो और तीन, ये यहां पे ऐसे 3 × 6.3 + 2 × 3.3। ये तो अंदर की साइड दे रखी थी 4 × 6 और 3.6 3 × 6, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉल की थिकनेस ऐड कर दिया, तो जो टोटल लेंथ आ जाएगी मेरे वो कितनी हो जाएगी 34.1। ये हो गई 8.6, ये हो गई
18.9, ये होगी 6.6, ये हो जाएगा 34.1। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में। इसके बाद तीन क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द स्टील, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द स्टील भाई। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द स्टील फॉर रिक्वायर फॉर अ स्लैब ऑफ 3 × 2 मीटर। स्लैब दे दिया 3 × 2, इसमें अपने को क्या निकालना है, टोटल स्टील कितना होगा। अब इसने दे दिया कि डाया ऑफ बार कितना है, बार जो है उसका फाई कितना है 16 mm, और स्पेसिंग दे रखा है 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो सीधी सी बात है भाई, 250 mm है ना, तो ये कोई ऐसा है, ये 3, ये मान लो 2 मीटर, तो ऐसे बार्स लगे हुए इसमें दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे। तो इन बार्स के बीच में मान लो 250 है, और इन बार्स के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, 250 mm है, ठीक है, ये दोनों चीजें एमएम में, ये मीटर में। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स निकाल लें, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार आ गए तो अपन सब चीज कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले 3 मीटर वाले में निकाल लेते हैं। तो भाई 3 मीटर वाले में टोटल नंबर ऑफ बार्स कितना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 के बीच में स्पेसिंग, 3 / 250, तो 3000 कर देते इसको, क्योंकि इसको भी एमएम में कन्वर्ट करना है, तो 3000 / 250। अब एक चीज सोचो, तो एक स्पेसिंग में दो बार आते हैं, यानी कि देखो स्पेसिंग कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 स्पेसिंग मान लो है, इट्स जस्ट फॉर शो समझाने के लिए, तो 5 स्पेसिंग है, लेकिन बार कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, +1, जितना टोटल होता है उसका +1 कर देंगे, तो टोटल बार कितने हो जाएंगे, 3000 / 250 + 1 कर देंगे, तो अपने यहां पे यहां से आ जाएगा 12 + 1, ये हो गया 13 बार। इसी प्रकार 2000 / 250, यहां से आ जाएंगे 8 + 1 करेंगे तो 9, सेम जो चीज इसमें होगी वही इसमें होगा, तो टोटल बार्स हो गए अपने 22, टोटल बार्स हो गए 22, ठीक है। अब टोटल बार्स 22 हो गए, जिसमें से ये बार जो है, जिस जो 9 वाले हैं, यानी कि जो 2 मीटर वाले के बीच में लगे, वो तो है 3 मीटर लेंथ के, और ये वाले हैं 2 मीटर लेंथ के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। कुछ बार्स भाई ऐसे होगा ना, ऑपोजिट होगा, 3 मीटर वाले साइड में जो बार लगेंगे उनकी लेंथ हो जाएगी 2 मीटर, और जो 2 मीटर वाली साइड में लगेंगे उनकी लेंथ हो जाएगी 3 मीटर, तो टोटल लेंथ हो गई अपने को। अब अपने को ये पता है कि एक बार का डायक कितना होता है, एक बार का वेट कितना होता है, d² / 162 kg/m। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये इसका निकालें, 13 × 2 भाई 13 नंबर ऑफ बार अपने को पर मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे पर मीटर नहीं है, यहाँ तो 2 मीटर है, तो 2 मीटर में टोटल वेट कितना हो जाएगा, 13 × 2 पर मीटर की जगह कर दिया, केजी में आ जाएगा बार, 13 × 2 × अब एक बार का कितना हो जाएगा, d² कितना है 16 का स्क्वायर / 162 सिमिलरली +9 × 3 × 16 का स्क्वायर / 162, तो ये तो कॉमन आ गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहां से आंसर जो आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 83.65। इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये थी, बाकी आप सब कर लेते लेकिन ये नहीं कर पाते। ये कौन सी, एक तो नंबर ऑफ पास निकालना, जब भी देखो कभी भी स्पेसिंग दे रखी है और नंबर ऑफ पास निकालना है, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1 कर दो, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1 कर दो, तो अपने टोटल आ जाएगा, जो इसमें करा वो क्या, वो अपने को किसमें करना है, इसमें, दोनों में सेम हो गया। उसके बाद अपने को लोग कंफ्यूज क्या करते थे, दोनों को एक ही मान लेते हैं, फटाफट में चीजें क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, इसको भी 3 से, या इसको 2 से तो इसको भी 2 से, लेकिन ध्यान रखना है 9 वाले की लेंथ है 3 मीटर 2 और 13 वाले की है लेंथ 2 मीटर, बस ऐसे करके अपन ने टोटल आ गया अपना केजी में, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो? ओहो, ये भी लिखा चुका हूं। तो देख लो जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे अपन कर चुके हैं। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है मैंने लिखाया था, फ्लोर एरिया रेशियो इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। और फ्लोर एरिया रेशियो मान लो ज्यादा है, हायर फ्लोर एरिया रेशियो क्या शो करता है ये भी बताया था, हायर फ्लोर एरिया रेशियो शोस हाई डेंसिटी और मेट्रो सिटी, ठीक है, मेट्रो सिटी या हाई राइज बिल्डिंग। भाई हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो होगा, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो कम होगा हाई राइज बिल्डिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन क्या है दे रखा है, ऑप्शन ए टोटल कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। टोटल कवर्ड एरिया क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोर एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी बिल्डिंग। लो ये बोल रहा है कवर्ड एरिया के हिसाब से जो हम लोग फ्लोर एरिया पे जो कवर फ्लोर लेवल पे जो कवर्ड एरिया होता है या बिल्ट अप एरिया होता है उसके हिसाब से जो एस्टिमेट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गए आपके, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। फिर भी अभी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या मैसेज या ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कॉल वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आपको एस्टिमेट अच्छे से समझ में आया होगा। अब से हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, सारी क्लासेस रेगुलर चलेगी। थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.